बात अब मणिपुर की करते हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर के पास रॉकेट से हमला हुआ है। इस हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में लगे हुए हैं। आईने के म्यूज़ियम के पास भी यहां पर ये हमला हुआ है और वाकई में गंभीर स्थिति है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी रतनदीप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतनदीप, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, मणिपुर के मोइरांग में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि इस तरह के एक रॉकेट से हमला हुआ है। जो विजुअल हम देख सकते हैं कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, किस तरह के रॉकेट लॉन्चर यूज किए गए वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मगर पिछले हफ्ते में ही हमने देखा था कि पुलिस ने कहा था कि ड्रोन से बम गिराए गए थे और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9 से 10 लोगों की जख्मी हुए थे। और अब मणिपुर के मोइरांग में, जो कि बिष्णुपुर जिले में है, वहां पे ये हमला हुआ है जिसमें कि एक शख्स की मृत्यु हुई है और जिस घर में ये रॉकेट जाके गिरा वो मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कोइरांग सिंह का घर है। और सबसे बड़ी बात है, इसके 100 मीटर के अंदर ही जो इंडियन नेशनल आर्मी का म्यूजियम है वो है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जो इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना जो तिरंगा झंडा फहराया था पहली बार, वो मणिपुर के मोइरांग में था। तो एक ऐतिहासिक शहर है मोइरांग और वहां पे ही अब ये रॉकेट हमला होना, वहां पे जरूर जो सुरक्षा इंतजाम है मणिपुर में, जो सेंट्रल फोर्सेस और जो स्टेट फोर्सेस या फिर असम राइफल्स की जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसके ऊपर जरूर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और वहां पे लोग भी थोड़े भयभीत तो हैं, थोड़े गुस्से में भी है कि किस तरह से इस तरह की वारदात वहां पे अंजाम ले पाई। मगर हमें जो खबर अब आ रही है कि वहां पे जो कॉर्डन करके इलाके को कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें कि 5 लोग जख्मी भी हैं। एक शख्स की मृत्यु हुई है और 5 लोग वहां पे जख्मी भी हैं। बिल्कुल रतनदीप, वाकई में ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। पहले ड्रोन से हमला हो रहा था, अब ये रॉकेट का इस्तेमाल भी इनके पास हथियारों के सवाल खड़ा करता है कि रॉकेट तक कैसे आ गया। देखिए, रॉकेट कैसे आ गया ये जरूर सवाल है, मगर रॉकेट आना, जो लोग मणिपुर को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, हम पिछले जब से ये जो पिछले साल की जाति हिंसा हुई है तब से हम मणिपुर को कवर कर रहे हैं, हिंसा को कवर करें, इसके पहले भी मणिपुर को, जो लोग बारीकी से देख रहे हैं उनके लिए जरूर ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी क्योंकि आपको मणिपुर से सटा हुआ है म्यांमार का बॉर्डर, पूरा खुला बॉर्डर है और म्यांमार में एक गृह युद्ध चल रहा है और वहां पे इस तरह के ड्रोन अटैक्स या फिर इस तरह के रॉकेट्स, जो कि मॉडिफाइड मतलब जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड या फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स मॉडिफाइड रॉकेट लॉन्चर्स से लॉन्च होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि जो बिष्णुपुर इलाका है, बिष्णुपुर जिला का जो बॉर्डर इलाका है चुराचांदपुर के साथ, बिष्णुपुर मैथिल समुदाय डोमिनेट करता है और चुराचांदपुर जिला की जोमी समुदाय डोमिनेट करता है और पिछले साल की जो जाति हिंसा इसी बॉर्डर से शुरू हुई थी और अब देखा जा रहा है उस बॉर्डर एरिया में जो कि सेंट्रल फोर्सेस हैं, अब जो लॉन्ग रेंज जो वेपन है जैसे लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर या फिर ड्रोन, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिन आर्म ग्रुप, ताकि सेंट्रल फोर्सेस को जो घेराबंदी है उसको तोड़ के टारगेट कर पाए। ये एक नई चैलेंज रहेगी सरकार के लिए। बिल्कुल रतनदीप, आपने ये जानकारी दी, इसके लिए